पटना में सोमवार को पुलिस ने बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज कर दिया। पटना के एडीएम के सिंह ने तिरंगा लिए एक प्रदर्शनकारी पर जमकर लाठियां बरसाई। इतनी लाठियां मारी कि उसका खून बहने लगा। बाद में एक पुलिसकर्मी ने प्रदर्शनकारी से तिरंगा छीन लिया। आइए जानते हैं पूरा मामला, लेकिन इससे पहले मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करीब 5000 CTET और BTET पास अभ्यर्थी डामंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। ये अभ्यर्थी सातवें चरण की नियुक्ति की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। भारी संख्या में पुलिस फोर्स और वाटर कैनन तैनात थी। ये अभ्यर्थी बिहार के नए शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। CTET BTET पास इन अभ्यर्थियों की मांग थी कि प्राथमिक विज्ञप्ति जारी की जाए। 2019 के STET परीक्षा में पास शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग मेरिट लिस्ट वाले हैं और अभी तक हम लोगों की समस्या सरकार ने नहीं सुलझाई है। नई सरकार बनने के बाद आज हम लोग राजभवन मार्च करने निकले थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। बावजूद इसके सड़क पर खड़े होकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में STET परीक्षा 8 साल बाद हुई थी। नोटिफिकेशन 2019 में जारी किया गया। जनवरी 2020 में ऑफलाइन मोड में परीक्षा हुई, लेकिन 2 से 3 सेंटर्स पर फर्जीवाड़े की बात सामने आने पर इसे रद्द कर दिया गया। दोबारा परीक्षा सितंबर 2020 में हुई, तब ये ऑनलाइन हुई थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम 3 साल से अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। समस्या जब तक नहीं सुलझेगी, हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ आरती। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।